नगर परिषद हमीरपुर में सीटू संबंधित रेडीफेडी यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से मिलने पहुंचा। रेडीफेडी यूनियन ने कार्यकारी अधिकारी से रेडी धारक दिनेश कुमार की रेडी जल्द से जल्द छोड़ने और उसे उपयुक्त स्थान दिलवाने की मांग की। आपको बता दें कि नगर परिषद ने बीते सोमवार को ही रेडी धारक दिनेश का सामान और रेडी जब्त कर ली थी। यूनियन का कहना है कि दिनेश कुमार पिछले 8 से 10 वर्षों से हमीरपुर शहर में रेडी लगाने का काम करता है, जिससे एक सप्ताह पहले ही पुलिस वालों के द्वारा यहां से हटाने का प्रयास किया गया था। यूनियन ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को दिनेश को शहर में उपयुक्त जगह पर रेडी लगाने की अनुमति प्रदान करने की गुहार भी लगाई, ताकि वे अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर सके। रेडी वर्कर्स यूनियन, जिसमें रेडी फड़ी वर्कर्स यूनियन के प्रधान श्री ब्रह्मदास और सचिव बाला नेगी के उसमें जो है नेतृत्व के अंदर जो है रेडी फड़ी वर्कर्स यूनियन जो है कार्यकारी अध्यक्ष नगर परिषद के साथ मिली है। इसमें जैसे पिछले कुछ हफ्ते से जो है एक दिनेश कुमार जो रेडी लगाने का काम करता था, उसको जो है पहले पुलिस जो है परेशान करती रही है इस बात को लेकर कि आप अपनी रेडी उठा लो या इस शहर से जो है दफा हो जाओ कहीं के लिए। और पिछले कल जो है 20 सितंबर को जो है नगर परिषद ने उसकी रेडी को जो है उठाकर जो है सामान से जो है अपने कब्जे में ले लिया है, और उसे जो है बार बार इस बात को लेकर जो धमकाया जा रहा है कि यहाँ पर जो है इस शहर के अंदर रेडी ना लगाए जाए। तो इस बात को लेकर जो है आज हम रेडी फड़ी वर्कर्स यूनियन की तरफ से जो है उस मसले को लेकर जो है कार्यकारी अध्यक्ष से मिले हैं कि उस दिनेश कुमार को जो है किसी हमीरपुर शहर के अंदर जो है उपयुक्त जगह जो है प्रदान करी जाए, और उसके साथ साथ जो है उसका जो है इस हमीरपुर शहर के अंदर जो है रेडी लगाने के लिए जो है स्थायी नियुक्ति जो है करी जाए। दूसरा, इसके साथ जो उसकी रेडी को जब्त करा गया है उसको जो है तुरंत रिलीज करा जाए। इन मांगों को लेकर जो है आज कार्यकारी अध्यक्ष के साथ जो है रेडी थोड़ी यूनियन का जो प्रतिनिधिमंडल जो है आज कार्यकारी अध्यक्ष से मिला है, और इस बात को लेकर जो है कार्यकारी अधिकारी ने जो है अपना आश्वासन भी दिया है कि उसको जो है उपरोक्त जगह पर जो है स्थान दिया जाएगा और साथ में जो उसकी रेडी को जो है रिलीज कर दिया जाएगा।